तो सबसे पहले बता देता हूँ ये जो है ये है ब्रांड केबलेट की के तरफ से या फिर केबलेट आप जो भी बोल सकते हैं ये जो है लाइक आपको अमेजोन में लिस्टिंग में मिल जाएगी आराम से एंड लाइक एक अच्छा लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव इनक्लोजर है जो कि यूएसबी 3.0 सपोर्ट करता है अनलाइक दिस वन क्योंकि ये यूएस से बना था एंड यू एस बी वाई केबल के थ्रू काम करता है बट दिस इज लाइक ये काम लाइक बहुत बेकार है कोई मतलब नहीं उसका तो लेट्स वाई वेट विद दिस वन काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाता है और काफ़ी लाइक रिप्यूटेड और लाइक like इसके रिव्यूज काफ़ी अच्छे थे तो आई थॉट लाइक लेट्स गिव गिफ्टेड रहे तो बिना किसी तरीके लेट्स क्विकली ओपन इट इसको ओपन करके देखते हैं आप देख सकते हैं एमेज़न से परचेज़ के इसके, इसके लिंक एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसको ओपन कर देता हूँ एंड हियर वी हैव आर इंक्लूडेड इट और इसमें बाकी कुछ नहीं बिल्स वगैरह हैं तो इतना ही था पैकेटिंग में और आप देख सकते हैं केबलेट टू पॉइंट फाइव इंच सेटा हार्ड डिस्क ड्राइव एनक्लोजर ऐसा कुछ ही दिखता है और आप देख सकते हैं थोड़ा सा सिमिलर है लाइक अगर आपने सी वी एट के हार्ड ड्राइव देखे होगी एक्सटर्नल like या फिर डब्ल्यू डी की माई पासपोर्ट तो ऐसे ही कुछ सिमिलर उसका डिज़ाइन भी है एंड आप देख सकते हैं पैकेजिंग काफी अच्छी है लाइक आपको लाइक जो प्रॉपर प्लास्टिक का सील वगैरह के साथ मिलता है एट द बैक क्विकली देख लेते तो यहाँ पे थोड़ा सा इफॉर्मेशन दी हुई है तो आप देख सकते हैं पीछे एमआरपी आर सेवन सेवेंटी फाइव है बट इतनी इसकी एमआरपी नहीं है आपको अच्छे खासे प्राइस में मिल जाएगी और डिज़ाइन भी काफ़ी सही है सपोर्ट्स वेज भी थ्री पॉइंट जीरो सेटा थ्री का जो इंटरफेस है वो सपोर्ट करता है तो काफी अच्छी चीज़ है और टू पॉइंट फाइव इंच की हार्ड ड्राइव सपोर्ट करते तो आपके पास अगर लैपटॉप वाली जो स्लिम हार्ड ड्राइव रही अगर होगी तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं बट आपकी जो नॉर्मल डेस्कटॉप की ड्राइवज रहती है जो कि लाइक थ्री पॉइंट फाइव एम वाली रहते तो वो इस केस में नहीं चलेगी आपको टू पॉइंट फाइव इंच तक आप यूज़ कर सकते हो ओके तो ऐसा कुछ था बॉक्स पे और आप देख सकते हैं केबलेट की के तरफ से और ऐसा कुछ डिजाइन है और इसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो एच डी टू फाइव टू टू यू थ्री ऐसा कुछ है यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन दिया टूल फ्री हाँ और एक चीज़ अच्छी है इस चीज़ जो मैं करंटली यूज़ करता हूँ हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रूज़ से अमाउंट वगैरह होता है बट इसमें आपको स्क्रूज की बारे कोई जरूरत नहीं आप सीधा इसको स्लाइडिंग कर सकते हैं फास्ट स्पीड यू एस ब्री तो एंड स्टोरेज अप टू सिक्स टेरावाइट से सपोर्ट करता है और जो इसका कंट्रोलर है वो भी अच्छी लाइक अच्छी क्वालिटी का है तो बिना किसी तरीके लेट्स क्विकली ओपन दिस अप एंड एंड ऐसे कुछ इसको बॉक्स मिलता है तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी तो बॉक्स वगैरह कुछ डैमेज नहीं हुआ है काफ़ी अच्छी चीज़ है जो एंड ओवरऑल लाइफ टेक्स से तो अच्छा ही लग रहा है क्योंकि उसका भी बॉक्स कुछ ऐसे ही आया था बट या तो मैंने निकाल लिया यहाँ पे तो इतना ही था बॉक्स में और कुछ नहीं है बॉक्स में नहीं है इसमें एक्चुअली हाँ थोड़ा सा यूज़र मैन्यूअल है जो कि ऑब्वियस है कैसे इंस्टॉल करना है बट इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं आई गाइड यू ऑल तो ऐसे कुछ है और कुछ बॉक्स में नहीं है आ, ओके सो तो इसमें आपको ये केबल मिलती है एंड नथिंग एल्स इन ये आपका सीधा इंक्लोजर यहाँ पर आएगा तो इसमें और कुछ नहीं है तो हमें बॉक्स में, में यूज़र मैनुअल एन्यूअल इंक्लोजर और इसका जो यू एस बी थ्री केबल है वो आपको मिलता है इसमें तो ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको बॉक्स में मिलती है तो लेफ्ट क्विकली कीप थी दिस थिंग्स असाइड इसको सबसे पहले ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ केबल मिलता है और केबल काफ़ी लाइक ऐसे अच्छी क्वालिटी का लग रहा है एंड आप देख सकते हैं यू एस बी थ्री पॉइंट जीरो का यू एस बी ए कनेक्टर और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यू एस बी थ्री इंटरफेस का जो केबल रहता है वो यहाँ पे उन्होंने सप्लाई किया काफ़ी अच्छी थी चीज़ है अब क्विकली बढ़ते हैं हमारे इनक्लूजर की तरफ एंड इज द इनक्लूजर दैट वी गेट एंड इनिशियल इम्प्रेशन काफ़ी सही लग रहा है आप देख सकते जो क्वालिटी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी सही लग रही लाइक आई 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 वो आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस लाइक मैंने एस एस एक्सपेक्ट नहीं किया था बढ़िया काफ़ी सही है और ए बी एस प्लास्टिक से बना हुआ है तो लाइक like, काफ़ी सही आप देख सकते हैं पीछे है टू पॉइंट फाइव इंच एच डी डी एस एस डी हाँ इसमें आप एस एस डी भी इंस्टॉल्स इंस्टॉल कर सकते हैं यू एस बी थ्री सपोर्टेड एंड काफ़ी सही है आप देख सकते, है, है, हाँ, आप installs, install सकते हैं uh, And, है, देख सकते है, वो लाइक like, जो आपके एक्सटर्नल एस एस डी एच डी डीज मिलती है हमें उस टाइप का इसका डिज़ाइन है काफ़ी सही है यहाँ पर आपको लाइट मिलता है जो इंडिकेट करेगा आपकी ड्राइव कनेक्टेड है और नॉट या फिर एक्टिविटी जो भी है एट द टॉप वी हैव दिस यूज़ बी इनपुट नॉट एक्चुअली इनपुट द प्लेस फ्रॉम वेयर हम जहाँ से केबल इसमें अटैच करेंगे तो ऐसा कुछ यहाँ पे केबल लगेगा एंड दिस विल गो टू योर डेस्क टॉप और लैपटॉप तो ऐसा कुछ है तो अ क्विक कम्पेरिजन बिटवीन दिस टू ये केबल साइड में रख लेता हूँ दोनों के हाँ तो ये जो दो टाइप के इनक्लोजेज है मेरे पास तो ये जो है हमने अभी, अभी अनबॉक्स किया और ये है लाइफ टेक की तरफ से तो बेसिक फर्स्ट डिफरेंस है ये जो है मेटल से बना हुआ है और ये जो है प्योरली प्लास्टिक है इसमें आपको इंस्टॉलेशन के लिए स्क्रूज वर्ग लगेंगे इसमें आपको स्लाइड इनकी ज़रूरत है बाकी बिल्ड के मामले में लाइक फिनिशिंग के मामले में ये ज़्यादा बेटर लग रहा है बट ओवरऑल स्टर्डीनेस के मामले में ये ज़्यादा अच्छा है बट वेन इट कम्स टू एक्चुअल यूजेबिलिटी आई ये उतना काम कहा क्योंकि इसमें जो आपको यूएसबी इनपुट देना पड़ता है जो कि ऐसे कुछ यूएस बी केबल लगता है बट यूजली ये जो है ना इसके कनेक्शन बहुत लूज होते हैं तो आपकी हार्ड ड्राइव इन बिटवीन ही डिसकनेक्ट हो जाती है तो दैट वॉज द वर्स्ट थिंग आई वॉज फेसिंग विद दिस एनक्लोजर तो आई स्ट्रिक्टली डोंट रिकमेंड दिस वन ऑल दो काम करता है बट कनेक्ट ही नहीं होती हार्ड ड्राइव लाइक कनेक्ट होती है डिसकनेक्ट होती तो आपको ओपन ही नहीं करने देंगे इन लॉन्ग टर्म आपके हार्ड ड्राइव डैमेज हो जाएगी अगर ऐसी चलता रहा तो दैट्स वाई गो विथ दिस वन जिसमें लाइक like, प्रॉपर जो कनेक्टर्स है प्रॉपरली कनेक्ट रहेंगे या फिर जो भी उसके लाइक ड्राइवर लाइक जो भी कंट्रोलर सिस्टम है उसमें कोई इशू ना हो तो so, वो एक चीज़ मुझे इसमें फेस uh, हुई इसलिए मैंने ये खरीदा और ऑब्वियसली ये जो है यूएसबी इंटरफेस पे था इसकी स्पीड्स भी काफ़ी स्लो थी लाइक like, काफी लाइक like, आप देख सकते हैं यूएस बी टू पॉइंट जीरो की जो भी स्पीड रहती है उसमें मिलता था और हार्ड ड्राइव काफी स्लो रन करती थी पर थ्री पॉइंट जीरो पे बेटर स्पीड मिलेंगी सो फर्स्ट लेट्स क्विकली स्वाइप आउट दी हार्ड ड्राइव फ्रॉम दिस वन टू दिस वन तो so, मैं क्विकली इसे ओपन कर लेता हूँ एंड हार्ड ड्राइव आपको कैसे इंस्टॉल करना है वो भी बता देता हूँ so, तो ऐसे कुछ ये मेरे पास डब्ल्यू डी की वन टेरा बाइट हार्ड ड्राइव है जिसको हम इसमें अब इंस्टॉल करेंगे तो हेल क्विकली कीप इट अ सेट और अब बात करते हैं इसकी तो आप किसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आपको सिंपली इसे फ्रंट या फिर टॉप पार्ट से इसको होल्ड करना है और आपको सिंपली इससे पीछे प्रूश करना है ताकि इसका जो टॉप प्लेट है वो ओपन हो जाए तो स्लाइड करके आप निकाल सकते हो आप देख सकते हो पीछे यहाँ पे हमें प्रॉपर जो लाइक कुशनिंग वगैरह सब कुछ दिया हुआ है स्टिकर आपको सिंपली इंस्टॉल करना है जो के जो हार्ड ड्राइव की प्लेसमेंट के हिसाब से एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपरली कवर्ड सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स अनलाइक द केस विद दिस वन जिसमें पूरा ओपन था ऑल और थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस भी है बट डेफिनेटली उतना नहीं है लेट्स इंस्टॉल दिस ड्राइव यहाँ पे साइड में भी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पे तो इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन एंड सेफ्टी इट्स ब्रिटी वेल मेंटेन आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टर जैसे यहाँ पे लॉन्ग साइड है और यहाँ पे शॉर्ट साइड है सिंपली सा, आपको अलाइन करके वैसे आपकी हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करना है इसमें आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुकी है अभी मैं सिंपली इसका कवर जो है वो स्लाइड इन कर देता हूँ आप देख सकते हैं ये हिले ना इसलिए आपको और इसके ऊपर आपको यहाँ पे ये साइड में मतलब यहाँ पे इसको लगाना था कि ये ऐसे वाइब्रेशन से इसको प्रोटेक्ट करे तो लेट्स क्विकली जस्ट स्लाइड इट इन अगेन तो आपको सिंपली यहाँ से जो पिछला साइड है उसको यहाँ से इसको अलाइन करना है और आपको सिंपली इसे पुश करना है तो so या yeah, दे आपकी हार्ड ड्राइव इंस्टॉल हो चुकी है और काफ़ी लाइक like, ठीक ओके ओके वेट है ज़्यादा वेट ज़्यादा वेट नहीं है आफ्टर पुटिंग इन हार्ड ड्राइव सो इसका इनिशियल वेट अराउंड आप बोल लो कि फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी ग्राम्स होगा और ये हार्ड ड्राइव लगाने के बाद थोड़ा सा बढ़ गया मतलब जो भी हार्ड ड्राइव का वेट है प्लस दस वन तो काफ़ी सही है लेट्स सो अभी इसको केबल बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है तो आप देख सकते हैं केबल वन वे ही जाएगा क्योंकि थोड़ा सा एक आप देख सकते हैं माइक्रो यूएसबी उसके साथ एक यूएसबी विथ थ्री इंटरफेस वाला है तो केबल वन वे ही जाएगा तो आप देख सकते हैं ऐसे कुछ ही केबल लग जाएगा और इनिशिये आप अगर देखोगे दूर से तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये इनक्लोजर वाली हार्ड ड्राइव है इसको आप लग लगेगा क्लिक आपने एक्सटर्नल वाली ड्राइव करी है तो ऐसा कुछ है बहुत बातें होगी चलो लेट्स क्विकली डू अ क्विक स्पीड टेस्ट ऑफ दिस वन सो आपको बता भी देता हूँ कि लाइक आप इसे कनेक्ट कैसे करोगे ओकेज़ वेलकम बैक मैंने मेरा लैपटॉप सेटअप कर लिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास हार्ड ड्राइव है और मेरे लैपटॉप को जो यू एस बी थ्री पोर्ट है वो लेफ्ट साइड में तो इसमें लेफ्ट साइड से कनेक्ट करूँगा तो आपको क्या आपके सामने ही कनेक्ट करता हूँ तो मैंने कनेक्ट कर लिया आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू लाइट आ चुकी है एंड डिटेक्ट भी हो चुकी है तो आप देख सकते हो ऐसे कुछ यहाँ पे सारे मेरे ड्राइव जो ओपन हो चुकी है एंड मैं क्विकली से साइड में रख देता हूँ ड्राइव को और आपको यहाँ पे दिस पीसी में दिखा देता हूँ तो ये जो तीन पार्टीशन है ये इस हार्ड ड्राइव पे है एंड ये जो है मेरी इंटरनल एस है मैं क्विकली डिस्क मैनेजमेंट में आपको दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं डिस्क वन जो है ये मेरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो कि इस इंक्लूजर में मैंने इंस्टॉल की है तो ऐसे कुछ ये चल रही है और ये प्लग एंड प्ले है मैंने कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं किए आपके सामने इसको मैंने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है तो डायरेक्टली है वैसे ही चल गई तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे तीनों जो पार्टीशन है वो अवेलेबल है मैं क्विकली अभी जो क्रिस्टल डिस्क मार्क जो है वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं सो वैसे मैंने क्विकली क्रिस्टल डिस्क मार्क जो है जो कि बेंच टूल है हार्ड uh, ड्राइव्स के लिए और स्टोरेज डिवाइस के लिए so, मैंने डाउनलोड कर लिया है क्विकली रन इट तो आई सिंपली ओपन दिस वन मैंने इसको ओपन कर लिया है आप देख सकते हैं अभी आपके सामने मैं रन करूँगा तो सी मैं जो ड्राइव है वो चेंज कर लेता हूँ तो डी ई एफ में से हमारे सारे लाइक वो एक्सटर्नल ड्राइव में से है तो आई विल सिम्पली सेलेक्ट दिस वन एंड पोटेसाजम लेते हैं फोर के और लेट्स क्विकली रन इट ओके सो गाइस टेस्ट कंप्लीट हो चुका है तो टेस्ट को कंप्लीट होने में अराउंड लगे मुझे 15 मिनट्स आप बोल सकते हैं 10 टू 15 मिनट्स तो ऐसे कुछ यहाँ पे रीड रेट कोज है आप देख सकते हैं जो रीड स्पीड्स है वो 87 86 है ये लाइक like, सिक्वेंशियल uh, और डायनेमिक लाइक सिक्वेंश वो रीडिंग पैटर्नस में रहती है तो एट्टी सेवन एटी रिस्पेक्टिव मिले और एटी फोर एटी मिले और मैंने साइड बाई साइड यहाँ पे ओवर द एंटायर द टेस्ट ये टास्क मैनेजर भी ओपन रखा था तो uh, और स्पीड्स जो थे वो ऑलमोस्ट सेम थे जो यहाँ पे तो ये एवरेज स्पीड्स है तो आप देख सकते हैं कि लाइक अगर एक लाइक फिफ्टी फोर हंड्रेड आर पी एम की अगर हार्ड ड्राइव होगी तो लाइक ठीक है स्कोर अकॉर्डिंग टू दू एस बी थ्री अगर आपका इंटरफेस है बट इससे बेटर स्पीड्स आ सकती है अगर आपकी हार्ड ड्राइव थोड़ी फास्ट है तो आपको हंड्रेड प्लस स्पीड्स भी मिल जाएंगी क्योंकि मैंने इसके जो रिव्यूज है वहाँ पर पढ़े तो लोगों को हंड्रेड एंड फिफ्टीन सिक्सटीन भी मिले बट उनकी हार्ड ड्राइव में भी डिफरेंट होगी या फिर जो जो डब्ल्यू डी की जो ग्रीन सीरीज़ होगी मे बी वो होगी तो डिपेंडिंग ऑन हार्ड ड्राइव बट मेरे लिए ये स्कोर्स लाइक रिस्पेक्टेबल है क्योंकि अगर यू इंटरफेस के थ्रू आप कर रहे हो तो लाइक दिस स्कोर्स आर गुड फॉर दिस पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव और जो मेन मेरा इशू था कि लाइक ये डिस्कनेक्ट हो जा रही थी तो वैसा कुछ नहीं है अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर और ऐसे कुछ वार्म वगैरह भी नहीं हो रही तो काफ़ी हद तक टेम्परेचर वगैरह इट्स इट्स फाइन एंड जो कंट्रोलर है वो काफ़ी सही है इसका तो ऐसे अभी तक कोई इशू नहीं है अब लेट क्विकली कॉपी रियल लाइफ फाइल फ्रॉम दिस इंटरनल टू एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल टू इंटरनल बोथ द वीज मैं क्विकली एक कोई तो भी डेमो फाइल ले लेता हूँ जिसको हम कॉपी करके टेस्ट करेंगे एक बार तो मेरे पास यहाँ पे ये एक फोल्डर है जिसका साइज़ है मैं बता देता हूँ आपको सिक्स पॉइंट वन फाइव जी बी का इसका फाइल साइज़ है फोल्डर साइज़ है लेट्स कॉपी दिस वन मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ई e कोलन से है जो वॉल्यूम है वो ई e है जो कि हमारा एक्सटर्नल है आई विल सिंपली पेस्ट इट ओवर हियर और लेट्स नोट डाउन द टाइम यहाँ पे ऑलरेडी है मैं इसको डिलीट कर दिया तो विल सिंपली पेस्ट इट हियर एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी शुरू हो गया एंड रियल लाइफ वर्ल्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड जो है तो आप देख सकते हैं ग्राफ के हिसाब से जो है इट लाइक सेवन सेवेंटी परसेंट टाइम जो है उसका एवरेज स्पीड लाइक अबउ एटी एटी फाइव एम बी पी एस था मेगा बाइट पर सेकेंड ओके ना ये हो गया हमारा इंटर एक्सटर्नल से इंटरनल अभी हम कॉपी करेंगे इंटरनल से एक्सटर्नल सो हम यही सिम्पलीफाइल हम मैं करूँगा कॉपी एंड विल पेस्ट इट इन सम समनादर कलम तो ई e में तो पहले से ही था आई विल पेस्ट इट ओवर हेयर इन एफ तो यहाँ पर मैं क्विकली से पेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं नाउ स्पीड जो है एक्चुअल वो कम हो गई तो इसकी लाइक अराउंड सिक्सटी सिक्सटी टू आ रही है लेट्स सी तो आप देख सकते ऑलमोस्ट ग्राफ जो उसने मेंटेन किया उसमें लाइक अराउंड हमें सिक्सटी प्लस एमबीपीएस की स्पीड मिल रही थी Uh, जो कि लाइक आप बोल सकते स्पीड टेस्ट से तो कम है बट ये रियल वर्ल्ड इसकी जो स्पीड है वो है एक्चुअली जब आप फाइल्स कॉपी करोगे टू तो एंड फ्रो तो ऐसे कुछ आपको स्पीड मिलेंगी तो यही था इस ड्राइव मैनेजर का कुछ स्पीड टेस्ट और ओवरऑल रिव्यू तो आप देख सकते हैं सो ओवरऑल जो फील वगैरह आ रहा है वो काफ़ी सही है हार्ड ड्राइव को तो, तो मुझे कोई इशू नहीं लगा और जो यूएसबी एस बी थ्री इंडिया से चल रहा है वो भी काफ़ी सही है अच्छी अच्छी चीज़ है एंड ओवरऑल जो उसका कंट्रोलर वो भी काफ़ी सही है क्योंकि कुछ मुझे ऐसे इश्यूज अभी तक तो नहीं लगे बट या ओवरऑल कुछ लगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगा सो इतने जैसे इस वीडियो के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उससे लाइक कीजिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड या आई विल कैच यू गाइज इन नेक्स्ट वन